अभी किस तरह की भूमिका को देखते हैं, क्योंकि आप पूरब में मेयर रह चुके हैं? देखिए, कोविड को चलते जैसे पिछले वर्ष कॉरपोरेशन ने अपना काम किया था, पूरे शहर को सैनिटाइज किया था, और समय समय पर जो लोग होम क्वारंटीन थे उनका हालचाल पूछने के लिए हमारे पार्षद जाते थे, उसी पैटर्न पे इस बार भी जो जिन लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है और जिनको होम क्वारंटीन के लिए बोला गया, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, उनका हालचाल पूछने देखने के लिए उनको मेडिसिन मिल रही है नहीं मिल रही है, उसका सारा जो हमारे कंसर्न पार्षद हैं वहाँ घर में जाके उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं। और कॉरपोरेशन में जो हमारा पहले रोल था, हम एज मेयर काम करते थे, लेकिन अभी हम एज सिटीजन एज काउंसलर जो मैं यहाँ पे हूँ, तो उसको देखते हुए हम वैसे ही पहले की तरह पूरी कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं और मेयर साहब को पूरा हम सहयोग दे रहे हैं। किस तरह देखते हैं, क्योंकि अभी आप मेयर नहीं हैं, जो मौजूदा में मेयर हैं और जो बाकी है, किस तरह देखते हैं उनकी कार्य प्रणाली इस समय, किस तरह है, या अपनी कोई गाइडेंस उन्हें दे रहे हैं? देखिए, शहर में काम करना है शहर के लोगों के लिए, तो उसके लिए चाहे पहले मेयर थे अब मेयर नहीं है, तो काम तो हम वैसे ही कर रहे हैं और पूरा सहयोग हम जो हमारे नए मेयर हैं उनको दे रहे हैं, और जो जो हमारी तरफ से जो हमारे एक्सपीरियंस है उनसे हम काम ले रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं। और दूसरे दिन लगभग हम दूसरे दिन अधिकारियों की बैठक लेके जितना भी शहर का फीडबैक मिल रहा है, कहाँ कहाँ पे कमियाँ, कहाँ पे और काम करने की ज़रूरत है, वो सारा डिस्कस कर रहे हैं और वैसे ही काम कर रहे हैं। तो अभी किस तरह का संदेश, क्योंकि आपने पहले भी इस महामारी को से निपटने के लिए लोगों की सहायता की, और अब भी किस तरह देखते हैं, क्या संदेश जो है लोगों के लिए? देखिए, संदेश तो लोगों के लिए यही है कि भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाएं, मास्क का प्रयोग करें और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको बनाए रखें, बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले और घर का वही सदस्य बाहर जाए जो जिसको बाहर जाने की ज़रूरत है। यही संदेश लोगों के लिए है कि अपना बचाव करें और शहर का बचाव भी करें।